दल। दूसरा राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय चिन्ह, चिन्ह सिंबल। यू कैन सी इन योर नोट योर कॉइन, यू शुड सी इन योर सी थ्री लायन शेर, शेर की पिक्चर आपने सी, लेकिन वहां चार सिंह है। ओके, वही हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है, आपके किताब में आप देखिए पेज नंबर 34 में आपका किताब में है। चलो मैं पढ़ के मुद्दा बजाती हूँ। राष्ट्रीय चिन्ह, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ कहाँ है? सारनाथ में है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। यहाँ स्तंभ, स्तंभ के ऊपर यहाँ तीन यानी चार सिंह के एक मूर्ति है। इसको, इस सारनाथ के इसको हमारे राष्ट्रीय चिन्ह कहलाते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है। समझ में आए? राष्ट्रीय चिन्ह को कहाँ लिया है? अशोक स्तंभ से। यहाँ चार मुखों वाला सिंह है। मैंने पहले बोले असोले रिटोर्नो, चार सिंह के मुख, ऊपर फ्रंट यूट्री बोले या सीन, अंदर बैक सर्ल दे, दैट मीन्स पार्ट फोर, ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಂಕೇತ. ಬೀಚ್ನೆ ಧರ್ಮ ಚಕ್ರ ಹೇ, ಬೀಚ್ನೆ ಧರ್ಮ ಚಕ್ರ, ಧರ್ಮ ಚಕ್ರ ಹಮಾರೇ ಜಂಡೆ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಹೇ, 24 ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಹಾ, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಧರ್ಮ ಚಕ್ರ ಹೇ, ಬೀಚ್ನೆ ಯಹಾ ಚಾರ್ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಬೀಚ್ನೆ ಕ್ಯಾ ಹೇ? ಅಶೋಕ ಧರ್ಮ ಚಕ್ರ ಹೇ, ಯಹಾ ಧರ್ಮ ಚಕ್ರ श्री कृष्ण का। ओके, आपने महाभारत में सुना ही होगा, महाभारत बैन यू नो ओनली देन वी कमिंग महाभारत का दत्ता है देवगन में टीवी सीरियल अभी स्टार्टिंग ओनली वी शुड लिसनिंग नो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति तदनुसारेण निहारिनो हमें दत्तम अंतरम दिवे सी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानाम अधर्मस्य सदात्मानाम सुजान्मयानाम पवित्रमनाय साधूना विनाशाचाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे। इसका मतलब है श्री कृष्ण ने तब भी अधर्म का स्थित होता है तब तक श्री कृष्ण अपना जन्म बताता है। इसका मतलब क्या है? धर्म, धर्म के बिना हम कोई जीवन नहीं कर सकते। धर्म बिटु अधर्म यावत्तु नीवु नडेयुत्तीरा आवत्तु नानु आ अधर्मवन्नु नाश माडोदक्कोस्कर प्रति युग युगदल्लू जन्मवन्नु ताकीनि अंतकंत ओंदु अर्थ यदा यदा हि धर्मस्य आ ओंदु धर्मवन्नु सार्तक्कंत ಒಂದು ಚಕ್ರನೇ ಈ ಧರ್ಮ ಚಕ್ರ ಇದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಏಕ ಓರ್ ಸಾಣ ದೂಸರಿ ಓರ್ ಘೋಡೆ ಕಾ ಚಿತ್ರ ಹೇ ಏಕ ಓರ್ ಸಾಣ ಏಕ ಓರ್ ಘೋಡೆ ಘೋಡೆ ಯುನೋ ಆಸ್ ಸಾಣ ಮತ್ತ ಗೂಳಿ ಯಾಕೆ ಯುನೋ ಆರ್ ಗೂಳಿ ಓಕೆ ಸಾಣ ಏಕ ಓರ್ ಸಾಣ ಹೇ ಏಕ ಓರ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಘೋಡೆ ಹೇ ಯಹಾಂ सांड और घोड़े के चित्र के बीच में धर्म चक्र है। नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते हिंदी में लिखा है संस्कृत, ओके, सत्यमेव जयते इसका मतलब क्या है? सत्य के यावत्तु जय इत्ते इरुत्तदे, सत्यमेव जयते इसका मतलब सत्य को ही जीत होता है। इसलिए हमें गांधी जी बोलते हैं ना अवेज से ट्रूथ, ओके, इस तरह आपको अवेज हम सत्य को ही बोलना है और धर्म धर्मों से रहना है। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट चिल्ड्रन, पहला
राष्ट्रीय ध्वज।